एक झटके में तबाह हो गया पूरा शहर। आसमानी आफत से 20,000 मौतें। लीबिया में विनाशकारी बाढ़ और तबाही जारी है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित पूर्वी लीबिया है, जहां पर जान गंवाने वालों की तादाद करीब 20,000 तक पहुंच सकती है, जिसकी निरंतर बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, स्थानीय स्वास्थ्य अफसर ने बताया है कि इस तटीय शहर में लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए अफसरों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और यहां पर आपको बता दें कि विदेश मंत्री जो हमारे देश के हैं, जयशंकर, उन्होंने भी लीबिया में भारी बाढ़ से लोगों को दुख जताया। उन्होंने कहा है कि मेरी सहानुभूति पीड़ितों, सूचना और आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले एम्बुलेंस और इमरजेंसी केंद्र के प्रवक्ता ओसा माली ने बताया था कि डेरना शहर जो लीबिया में है, वहां पर कम से कम 5100 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पूर्वी लीबिया के अन्य शहरों में करीब 100 लोगों की मौत हुई। डेरना में 7,000 लोग ज़्यादा घायल हो चुके हैं और कम से कम 10,000 लोग लापता हो चुके हैं। यूएन के प्रवासी एजेंसी व रेड क्रॉस ने कहा था कि डेरना में 40,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आपको बता दें, भूमध्य सागरीय तूफान डेनियल के चलते आई विनाशकारी बाढ़ से पूर्वी लीबिया के कई शहर प्रभावित हुए, लेकिन डेरना बर्बाद हो गया। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि रविवार को जैसे ही तूफान तट पर पहुंचा, शहर के बाहर बने बांध टूट गए। खोज और बचाव टीमों ने टूटी हुई अपार्टमेंट की तलाश ली और तट से दूर तैरते हुए शवों को बरामद कर दिया है। यूपी केरल की न्यूज़।